क्या ये जादुई मुखोटा? बेवकूफ, बदतमीज, नादान, तौबा तौबा, तुम्हारी गलती की वजह से पता नहीं वो मुखोटा कहाँ गायब हो गया। अब कैसे गवाऊंगी मैं बच्चों से बुराई और शैतानी का संगीत? ये तौबा तौबा भी ना किसी जिम्मेदारी के लायक नहीं। इतनी मुश्किल से हमें एक हथियार मिला था अपनी जीत के लिए, वो भी इस बेवकूफ की वजह से हमसे छिन गया। कहाँ होगा मेरा जादुई और शैतानी मुखौटा? ओ बाय गा पहनने के बाद तो ऐसा लग रहा है मैं ढेर सारी ताकत आ गई हो। तेरी किस बात की मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी? बता देते सबको कि महामस्ती को मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी कैसी शरारत कर सकता है। मैं इस रूप में सबकी नजर से बचकर ज्यादा देर तक पृथ्वी लोक पर नहीं रह सकती। छल परी, मेरा भी यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं। अगर परी लोक में परियों को मेरे ऊपर संदेह हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन यहाँ से मुखौटे के बिना जाए भी तो जाए कैसे? तौबा तौबा, तुम्हारी वजह से बच्चों से बुराई और शैतानी का संगीत अब मैं नहीं गवा सकती। मुझे किसी भी हालत में वो मुखौटा वापस चाहिए और उसे ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी। क्या? मेरी? और जब तक तुम मुखौटा नहीं ढूंढ लेते तुम यहीं रहोगे पृथ्वी लोक पर। ऐसे ये लो मुखौटा खोजो यंत्र। जब भी मुखौटा तुम्हारे आसपास होगा इस यंत्र में रोशनी आएगी और सीधा उस दिशा में जाएगी जहां मुखौटा होगा। इससे तुम्हें मुखौटा ढूंढने में आसानी होगी। ये लो। और हाँ, तौबा तौबा, यहां पृथ्वी लोक पर रहकर मुखौटे को खोजना, आराम करने मत बैठ जाना, समझे? समझे? समझ गया। चलो चल परी। हमेशा हमेशा है भेज देते मुझे पृथ्वी लोक में कुछ भी ढूंढने। अब जाऊं कैसे मैं इस रूप में? देना होगा मुझे कोई दूसरा रूप। रूप पतलू बोली और लेता हूं दूसरा रूप। अब ढूंढ कर ही रहूंगा वो जादू मुखौटा। ए यंत्र, चले चल मुझे। आज तो होमवर्क करने से पहले थोड़ा आराम कर ले। क्यों? मैं तो ठीक हूँ और अपना होमवर्क भी मैं ही करूंगा।
बारम्बार खेलने भी जाएंगे। मानव तुझे पता नहीं जब तू शैतानियां कर रहा था तब मैं कितनी डर गई थी। मैं ये ले तू ठंडा ठंडा पानी पी और चिल कर। ये ले। अरे क्या कर रहा है? महर मैंने तेरे को चिल होने के लिए कहा था, चिल्लाने के लिए नहीं कहा था। आओ महर। चाचा जी क्या बात है, भाई बहन में बहुत हंसी मजाक हो रहा है। अरे हाँ मैं आप लोगों के लिए ये पेंसिल बॉक्स और महर के लिए कंपास बॉक्स। यस यस थैंक यू पापा। थैंक यू पापा। और दादाजी पापा आपको पता है कल हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है। अच्छा तुम क्या बनने वाले हो? वो तो हमने डिसाइड नहीं किया है लेकिन हम जो भी कॉस्ट्यूम पहनेंगे कमाल का पहनेंगे और सबके होश भी उड़ा देंगे। वाह। और फर्स्ट प्राइज भी हम ही जीतेंगे। अच्छा हुआ ना कि हमने परीक्षण कर लिया वरना कल सूरज की ऊर्जा से पूरा परिलोक जल जाता। बाल परे करूंगा मैं आगे से पहले खुद हर चीज का परीक्षण। चुप। बालवी खुश रहो परियो, खुश रहो, खुश रहो डुबा डुबा, खुश रहो, खुश रहो बालवी, खुश रहो। बड़े जोरों का झटका लगा डूबा डूबा एक को। वैसे बालवीर आप अचानक यहाँ परिलोक में? माँ माँ दरअसल महर ने मुझे बताया कि मानो उसे कुछ बदला बदला सा लग रहा था और तो और वो मोंटू रोहित केवल को भी परेशान कर रहा था। ये कैसे हो सकता है बालवीर? मानव तो एक अच्छा और सच्चा बच्चा है, वो किसी को परेशान नहीं कर सकता। तो फिर सच क्या है? आपने ये जानने की कोशिश नहीं की बालवीर? हाँ मैंने कोशिश की कि मानव के ऊपर किसी भी जादू का असर नहीं था। ये कैसे हो सकता है? यानी ये कोई नया खतरा हो सकता है जो हमारे सामने है मगर हमें दिख नहीं रहा। हाँ बालवीर और ऐसे में तो हमें और भी ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। हाँ क्योंकि भयंकर परी और छल परी सूर्य पूर्णिमा के जश्न को खराब करने के लिए कोई ना कोई बुराई का खेल जरूर खेलेंगे। मैं जानता हूँ और इसीलिए मैंने तय किया है कि कल मैं विद्यालय में होने वाले रूप बदल कर जाने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लूंगा। लेकिन बालवीर तुम तो इस प्रतियोगिता को लेकर बहुत उत्सुक थे। लेकिन परिलोक और बच्चों की सुरक्षा मेरा पहला फर्ज है और बालवीर अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटता। बालवीर, हमें आप पर गर्व है। भटकाती परी आप कुछ परियों के साथ मिलकर पृथ्वी लोक जाइए और पृथ्वी लोक की निगरानी कीजिए। जी बालवीर। तब तक हम सब परियां बालवीर के साथ मिलकर कल होने वाली सूर्य पूर्णिमा की तैयारियां कर लेंगे। इन लोगों को खाता हुआ देखकर मेरे पेट में भी हाथी कूद रहे हैं। हाथी से याद आया ये मोंटू बॉस कहाँ रह गए? तक रास्ते में ही होंगे। दो कदम चलते नहीं है कि हाफने लगते फिर 10 मिनट का आराम करते फिर 2 कदम चलते फिर हाफने लगते फिर से 10 मिनट का आराम करते। एक नंबर के सुस्त और आलसी है। जब देखो तब ऑर्डर ही करते रहते। रोहित केवल ये ले आओ, रोहित केवल वो ले आओ। आने दो इस बार उस मोटू को, ऐसा सीधा करूंगा कि हमेशा के लिए याद रखेंगे। हाँ
किसने गिराया? मैंने गिराया। मोंटबस आपका पाए? अभी आया। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। देखा क्या भाई, मैंने क्या कहा था, बस आते ही हमें आइसक्रीम और पानी पूरी खिलाएंगे। तो मैं जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो। बॉस आप आदि हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम उल्लू है। बॉस मैं पता है कि आप डर के मारे छुप गए होगे। बॉस अभी इसने हमसे छुपाना क्या, मैं पता है कि आप डरपोक हो। मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तो अब देखो मेरी जादू इशारा से। बस मास्क की वजह से पहले से ज्यादा शक्तिशाली बन गया। ये तो बस ट्रेलर था, फिल्म तो मैं मानव मेहर के साथ बनाऊंगा। मैं इस जादू से उनकी हालत खराब करूंगा और उन पर पूरा स्कूल हंसेगा और वो दोनों रोएंगे। सुबह से रात बीत गई और अभी तक ये बेवकूफ तौबा तौबा जादुई मुखौटा नहीं ढूंढ पाया है। तुम उसकी चिंता मत करो छलपरी, कल सूर्य पूर्णिमा, उसकी वजह से आज की रात काफी लंबी होगी। और वैसे भी परीलोक में सूर्य उदय थोड़ी देर से ही होता है, इसीलिए हमारे पास काफी समय है। बस एक बार वो जादुई मुखौटा मेरे हाथ लग जाए, फिर देखना हर बच्चे के जीवन में काली लंबी अंधेरी रात के सिवाय और कुछ नहीं होगा। और फिर मैं उस जादुई मुखौटे में सूरज की ऊर्जा समा कर उसे और शक्तिशाली बना दूंगी। फिर बालवीर को उसकी शक्ति के सामने अपना सिर झुकाना ही पड़ेगा। वो तो सब ठीक है छलपरी, लेकिन अब मैं और समय के लिए यहाँ नहीं रह सकती, मुझे परीलोक अब वापस जाना होगा। लेकिन एक दुविधा है। क्या? मैं परीलोक वापस तो चली जाऊं, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हें वो मुखौटा मिला भी कि नहीं। चलो मान लिया कि तुम्हें वो जादू मुखौटा मिल गया, लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि तुम परीलोक कब आ रही हो? और अगर मुझे ये नहीं पता चलेगा कि तुम परीलोक कब आ रही हो, तो मैं तुम्हें छुपा के परीलोक में लेकर जाऊंगी कैसे? एक तरीका है हमारे पास। क्या? अपना हाथ आगे करो। जैसे ही मुझे वो जादुई मुखौटा मिलेगा, इस यंत्र में रोशनी पैदा हो जाएगी, और जैसे ही इसकी रोशनी बढ़ती जाएगी, तुम समझ लेना कि मैं परीलोक के पास आ रही हूं, और तुम परियों को वहां से हटा देना। ठीक है चल पर।
गई बीत पूरी रात बेकार, लेकिन नहीं निकली इस यंत्रों से रोशनी। है लगता मुझे जैसे नहीं जलते छलपरी की दिमाग की बत्ती, ठीक वैसे नहीं निकलती इस यंत्रों से रोशनी भी। लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा ही मुझे। चल चल कर थक गया, आराम कर लेता हूँ। अरे गया कहाँ, गया कहाँ वो जादुई मुखौटा। चल रही इस यंत्र में से रोशनी, इसका मतलब है कर लिया इस यंत्र ने पता कि है वो जादुई मुखौटा यही कहीं। कोई भी है नहीं यहां भी तो कोई। है नहीं यहाँ भी तो कोई, लेकिन आ रही थी वो रोशनी इसी तरफ ही। तो गया कहाँ, गया कहाँ वो जादुई मुखौटा। है लगता मुझे हो गया ये यंत्र में बेकार मेरी किस्मत की तरह, पर ढूंढना तो पड़ेगा ही इस जादुई मुखौटे को मुझे। जाता हूँ उस तरफ, जा रही है जाय रोशनी। बालपरी, परीलोक में सूर्योदय होना शुरू हो गया है और जल्दी सूर्य पूर्णिमा का शुभ पल भी आ जाएगा। नटकर परी, इसलिए हम चाहते हैं कि आप जाकर सारी तैयारियां पुनः देख लें। जी बात परी। तो आज के मौसम की खबरें, आज के मौसम में छरा रुत के बादल छाए रहेंगे और सब जगह मस्ती की बारिश होगी, क्योंकि आ गया है मोंटी द ग्रेटेस्ट लखनी नाम का तूफान। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.